एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें मानस में जो दो पात्र भगवान के अति प्रिय हैं, एक लक्ष्मण और एक भरत की माता, ये दोनों ही भगवान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। जो भगवान कह रहे हैं उसे दोनों ही स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी महाराज जिस समय बन जाने की बात आई, सो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा आप यहाँ रहो, माता की पिता की सेवा करना, गुरु जी के आदेश का पालन करना। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए और सीधा सीधा बोले, महाराज गुरु पितु मात न जानू का। अब सोच कर देखो, भगवान तो सिद्धांत बना रहे हैं कि माता की पिता की गुरु की सेवा करो, और लक्ष्मण जैसा प्रिय पात्र ही कह देता है एक दिन कि महाराज मैं किसी माता को पिता को गुरु को जानता ही नहीं। और जब लक्ष्मण जैसे पात्र ने कहा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी तो थोड़े कठोर हैं, तो भगवान के बन जाने की जब बात आई तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज मैं तो एक को ही जानता हूँ और मेरे सर्वस्व केवल और केवल आप हैं, मैं और किसी को जानता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लगा कि श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रति अनन्यता के भाव को लेकर माता पिता गुरु को नहीं जानते। सुमंत जी लौट करके आए और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वाक्य कहे, ये लौट करके आकर सुमंत जी ने महाराज दशरथ को कहे, किसके लिए? कैकेयी के लिए थोड़ा कठोर बोल गए। महाराज अवधेश के लिए मानसकार ने तो छुपा दिया सारा मर्यादा में, लेकिन कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने वन गमन की बात को सुना ना तो हाथ में धनुष उठा लिया। भले ही मेरे पिता हैं लेकिन मेरे भैया के प्रति अन्याय करेंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मेरे पिता से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी के वाक्य। बाद में भगवान श्री राम रोकते हैं लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण शांत हो, लखन कहे कछु वचन कठोरा। लेकिन एक क्षण के लिए अगर हम आपसे प्रश्न करने कि लक्ष्मण जी माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति कभी कठोर बोल जाएं, तो ये आप हम सोच सकते हैं कि लक्ष्मण जी बोल सकते हैं, थोड़ा कठोर बोलने का स्वभाव है लक्ष्मण जी का। लेकिन क्या कभी भरत जी बोल सकते हैं? भगवान ने जो सिद्धांत रखा है उस सिद्धांत को भरत जी कभी उल्लंघन कर सकते हैं? कहीं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर महाराज जब बात राम प्रेम की आए तो श्री भरत इन तीनों संबंधों के लिए कठोरता से खड़े हुए। माता कैकेयी ने जब भगवान को वनवासी बना दिया तो भगवान तो कहते हैं माता को प्रणाम करो, वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर श्री भरत उठ करके खड़े हुए, और आज यदि भरत ना बोलते तो परिवारों में संबंधों में बिखराव निश्चित था। महाराज तो कैकेयी के सामने खड़े हुए और श्री भरत जो बोले हैं वो कोई सामान्य भी नहीं बोल सकता। महाराज तो राम जी का सिद्धांत है कि माँ पूजनीय है, माँ के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री भगवान जिस माँ को सबसे ज्यादा आदर देते, आप लोग कथा में श्रवण करते हैं, चित्रकूट की भूमि में तीनों माताएं खड़ी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, और भगवान मिलने के लिए आए माताओं को। तो यहां जो दिव्य दर्शन आया, चारों ओर हजारों अयोध्यावासी खड़े हुए हैं, आकाश से देवता दर्शन कर रहे हैं, भगवान ज्यादा आदर किसको देने वाले। और तब जो भगवान ने किया, प्रथम राम भेटी कैकेयी, पहला प्रणाम कैकेयी माता को किया, कैकेयी माता को हृदय से लगाया,
निज जननी कौशल्या जी को भी उतना आदर भगवान ने नहीं दिया जितना कैकेयी माता को दिया। और चित्रकूट की धरा में जहाँ सारा जनकपुर का समाज है, जहाँ अयोध्या का पूरा समाज है, गुरुदेव बैठे हैं, जनक महाराज बैठे हैं, श्री भरत बोलते हैं कि महाराज मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कर दिया। श्री भगवान उठ करके खड़े होते, दोष देह जननी ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरी सभा में कहते हैं वो मूर्ख ही होगा जो मेरी माँ को दोष दे। और उस माँ को भरत जी क्या क्या बोले, पापिनी सब ही भांति कुल नाश। राम विमुख मुख को लेकर कभी मेरे सामने मत आना, भरत जी बोले हैं। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठी है। एक बार तो बोल पड़े भरत जी कि मेरा इतना सुंदर हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ जी महाराज जैसा मेरा कुल मेरे पिताजी, वहां राम लक्ष्मण जी जैसे मेरे भाई। और भरत जी रोए हैं कि जननी तू जननी भाई, तेरे जैसी माँ मुझे मिली है, इससे ज्यादा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। तो कई बार सोच कर देखो, जिन तीन पात्रों को भगवान ने सर्वोपरि कहा, भरत जी ने माँ को भी कठोर वाक्य कहे, पिताजी के लिए भी एक बार बोल गए भरत जी, यद्यपि तो पिता का बड़ा आदर किया। और जिन पिता को राम जी बार बार कहते हैं, राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, मेरा त्याग करके भी मेरे पिता ने सत्य की रक्षा की, और सत्य की रक्षा करते करते प्राण त्याग दिया। इतने बड़े त्यागी मेरे पिताजी थे, भगवान बार बार बखान करते हैं मानस में। लेकिन श्री भरत बोल गए एक बार कि मैं क्या कहूँ, मैं उन पिता को क्या कहूँ जिन्होंने सिंहासन पर बैठ करके राम राज्य की घोषणा की, और कैकेयी के पास कोप भवन में रात्रि के अंधकार में राम राज्य की पूरी परिकल्पना को समाप्त कर दिया, मेरे लिए राज्य स्वीकार कर लिया, मैं उस पिता को क्या कहूँ। तो एक बार तो भरत बोल गए, मुझे तो ऐसा लगा आखिरी समय पिताजी का आने वाला था, इसलिए विधाता ने बुद्धि छीन ली। श्री भरत बोले हैं पिता के लिए, जिन पिता के त्याग का बखान करते हुए भगवान थकते नहीं हैं, उन पिताजी के लिए भी बोल गए, मेरे पिताजी ने तुझ जैसी स्त्री पर विश्वास कर लिया, मरण काल विधि मति हरि मेरी। शायद अंतिम समय था, इसलिए विधाता ने बुद्धि हरण कर ली। गुरुजी के लिए भी एक बार तो बोल गए भरत जी, जिस समय गुरुजी ने कहा भरत सिंहासन स्वीकार कर लो, राम जी आए 14 वर्ष के बाद तो सिंहासन राम को दे देना, लेकिन अभी ले लो। श्री भरत बोल गए कि क्या कह रहे हो गुरुदेव, मैं सिंहासन ले लूं? गुरुजी ने कहा कि पिताजी जिसे दे दे, पिताजी के वचन को निभा करके बच्चे को स्वीकार कर लेना। सनातन धर्म का सिद्धांत है, माता पिता के वचन को बिना विचार किए मान लेना। गुरुजी ने भरत जी को सिखाया। श्री भरत रोए हैं, गुरुजी आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ जी को बोले, दुनिया का कोई और पात्र होता ना तो सिर झुका करके सिंहासन स्वीकार कर लेता, लेकिन श्री भरत भगवान के प्रति हुए अन्याय को सहन नहीं कर पाए। और गुरु से भी बोले, गुरु जी आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, सारा संसार जानता है विवेक के सागर आप हैं, लेकिन आज जो बात आप मुझे कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों?
तो श्री भरत बोले हैं कि हित हमार सिय पति सेवकाए, मेरा सबसे बड़ा हित मेरे राम जी की सेवा में था। और कई बार हमें लगता है आज परिवार में वही भरत जी का सिद्धांत की आवश्यकता है। महाराज, थोड़ा भी स्वार्थ मन में आ जाएगा ना तो भाई भाई के बीच में जो स्थिति बनी है, जो बन रही है, वो बड़ा मुश्किल है। श्री भरत बोले, भले ही पिता का विरोध करना पड़ जाए, भले ही माता का विरोध करना पड़ जाए, भले ही गुरुजी का विरोध करना पड़ जाए, पर मेरे भगवान के विरोध में हो रहे इस षड्यंत्र को मुझे समाप्त करना ही पड़ेगा। परिवार को जोड़ना है तो महाराज परिवार में हो रहे कुटिल चीजों को खत्म करना ही पड़ेगा। श्री भरत जी महाराज जिन्होंने श्री भगवान के प्रेम के लिए अपने संपूर्ण संबंधों के प्रति जहाँ जहाँ गलत होता हुआ देखा वहाँ श्री भरत जी ने प्रतिकार किया, लेकिन भाई के प्रति अपने प्रेम को, भाई के प्रति समर्पण को झुकने नहीं दिया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।